भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं, बताओ ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी सीवर वाले महाराज की चेली, चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना उन्हें चूड़ा मूड़ा घस के फिर जा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, खूब जोरदार तरीके से। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जा। अपने यहां तो भजन में भी लोग कहते हैं, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे काने कुंडल साजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे कानो कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी जाति, ओ महारा ददरौआ सरकार, अनोखी थारी जाति, जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, महारा ददरौआ सरकार, महारा बालाजी महाराज, झांकी अनोखी थारी झांकी, 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 अनोखी सब गाइए, अनोखी मारा ददरौआ सरकार। मुकुट विराजे तेरे तन पर सिंदूर,
मेरे तन पे सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे, तेरे तन पर सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे, तेरे गल पर जंजी माल अनोखी भारी झांके, तेरे गल पर मारा ददरौआ सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा ददरौआ अनोखी भारी झांकी, 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 मारा बालाजी सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा ददरौआ सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा ददरौआ बालाजी सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा ददरौआ सरकार अनोखी भारी झांकी, मारा ददरौआ सरकार अनोखी भारी झांकी, हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से सुंदर बालाजी सरकार की इस पवित्र भूमि पर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय के साथ जुड़कर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको मंत्र आता है, जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, वो अपनी वाणी से थोड़ा उच्च स्वर में, तेज आवाज में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ में करिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तु, भोला सब दुख हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटू हमारा, ओ भोला सब दुख काटू, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो,
चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा, क्रोध कर रहा, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर महादेव, और ये चिढ़ रहा है। उठा, बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का भी, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आए कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने टेंट में अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा, ये बूंदी के लड्डू हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं, ये नुक्ती के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं, लड्डू काहे के हैं? तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के? तो के ये बूंदी के ही है। अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूं ये लड्डू काहे का है? फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के हैं। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काहे के हैं। फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के हैं। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे ये बता, ये लड्डू कौन बंटवा रहा है? तो द्वारपाल बोला, ये दुर्योधन बंटवा रहा है। अच्छा, क्यों बंटवा रहा है? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा, जल्दी से मेरे को भी चार लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने चार लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए।
और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगा कर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया आप, क्या बात है? भगवान ने कह लिए द्रौपदी लड्डू खा ले। द्रौपदी ने पूछा, काहे के लड्डू है? भगवान बोले, मोती चूर के है। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले। द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा, लड्डू काहे के? भगवान बोले, मोती चूर के है। अब द्रौपदी ने पूछा, इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा, मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा, तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तो मैं लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा, लाओ मेरे को 2 लड्डू और दो, दो तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए तो द्वारकानाथ ने कहा, द्रौपदी तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही है। द्रौपदी बोली, जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। रथ कौन चला रहा है? द्रौपदी ने पूछा। भगवान कहते, मैं। जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता, रथ साला चला रहा है। गाड़ी साला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जी जी बैठिए, आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देता, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो, दूसरी मिल जाए उसको क्या। एक पति पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला, नहीं, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे दे ला, अब तुम इसको भी जोड़ लो, लो। अब भगवान ने कहा, ले ये लड्डू। द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा, आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती, उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जीवन भर कुंवारा रहूंगा तो कुंवारे रहे, अब प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की है। ठीक है, लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है, द्वारकाधीश ने कहा, द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है और तुमको चिंता नहीं? द्रौपदी ने कहा, रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तो मरने नहीं देगा, ये पक्का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों, तू मरने नहीं देगा, ये पक्का। एक पत्र आया है, देखिए, रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर, जिनको पत्र पढ़ना है हमारे साथ में एलईडी पर, आस्था चैनल पर, टीवी के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ एक बार, ठीक है, ठीक है। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। गुरुदेव, मेरी भाभी 2020 से अचानक बीमार हुई, जिससे उनके सीने में दर्द हुआ, दिखाया तो सीने के अंदर एक गांठ थी, चेस्ट में गांठ हुई, उस गांठ को निकाला गया, पस निकाल कर
उस गांठ की जांच कराने के लिए बाहर भेजा गया। जब गांठ की जांच करने के लिए बाहर भेजा तब उस जांच में आया कि मेरी भाभी को बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, हमने ऑपरेशन भी करवाया पर ऑपरेशन कराने के बाद वो बीमारी और फैलती चली गई, आराम लगना बंद हो गया। भाभी बिस्तर पे पड़ गई, खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, बहुत बीमार रहने लगी। तब हमने किसी ने कहा, रोज एक हमारी पड़ोसन शिवजी को जल चढ़ाने जाती है, हमने उसके कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर भाभी को कोई आराम नहीं मिल पाया। दूसरी बार हमने फिर पशुपति व्रत किया, पशुपति व्रत करते करते हमने भाभी को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। जैसे ही शिवजी पर चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करा, तीसरा पशुपति व्रत हुआ गुरुदेव, जो 2020 से पलंग पर पड़ी थी, एक अंश भी हिल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा बाबा है। हमने शिवजी पर जल चढ़ाकर उसको देना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री उसको देना चालू करी। बाबा की कृपा से उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और 16 अगस्त से उसने चलना फिरना बाबा की कृपा से चालू कर दिया। अब उसको आराम आराम है बाबू। हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ, हर हर महादेव। बैठिए गुरुदेव, डॉक्टर ने भी कह दिया इसका रोग समाप्त हो रहा और बाबा की कृपा होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, शिव उस जल को अमृत तत्व में परावर्तित कर देते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, उठा लो। वो कृपा जब करता है, अभी हमने कहा कि महाराज जी कथा करवाए, गुरु बाबा की कृपा हुई, यजमान पर कृपा हुई, कथा हुई, ददरुआ धाम सरकार के पावन चरणों में कथा का लाभ ले रहे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे, अगर बालाजी ने, हनुमान जी ने तुमको यहाँ कथा सुनने के लिए बुलाया है शिव जी की, तो खाली तो नहीं जाओगे, ये झोली भरी जरूर जाएगी निश्चित। बोल बम का नारा है, आप उसके भरोसे पर आए, उसके विश्वास पर। द्रौपदी कह रही है मेरा पति मर नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। दीन बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे, मेरी डोर तेरे हाथ में तो कैसे मर जा। भगवान ने कहा द्रौपदी एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, दासी के कपड़े पहन, नौकरान के, दासी के कपड़े। द्रौपदी ने कहा दासी के कपड़े मैं क्यों पहनूं, तू पहन। दासी के कपड़े पहनाए भगवान ने और कहा चल भीष्म पितामह के कक्ष में। पितामह को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है, तू जाके उनके चरण छूना, आशीर्वाद लेना, वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुझे दे देंगे, दे देंगे, काम खत्म, तू चल मेरे साथ। द्रौपदी दासी के कपड़े पहनकर चली, पांव में जूतियां पहन गई द्रौपदी, पांव में चप्पल पहन गई। भगवान ने आवाज लगाई द्रौपदी रुक 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 इधर, जल्दी जल्दी आ। द्रौपदी ने कहा क्या भैया, चप्पल निकाल जल्दी से।
द्रौपदी के पांव की जूतियों को चप्पल को भगवान ने चप्पल में चप्पल फंसाया और काली कम्बल ओढ़कर एक वृक्ष के नीचे चप्पल का टेका लगाकर मेरा द्वारकाधीश सो गया, मेरे द्वारिका के नाथ सो गए। चप्पल का टेका लगाकर काली कम्बल ओढ़कर जो मेरा द्वारका का नाथ सोया, द्रौपदी को कहा कोई पूछे कि अंदर क्यों जा रही हो, कहना मैं दासियों झूठे बर्तन उठाने जा रही हूं, चले गए। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे द्वारपालों ने मना करा, तुम कौन दासी, मैं झूठे बर्तन उठाने में, अंदर चली गई। भीष्म पितामह खिड़की के पास खड़े थे, नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह जल्दी स्नान करके मुझे प्रणाम करने आती है, आज और जल्दी आ गई। उनको क्या मालूम था, वो तो समझे दुर्योधन की पत्नी है, उनको क्या मालूम था कि ये द्रौपदी है। उन्होंने तुरंत जो देखा, द्रौपदी तो इतना इतना पल्लू लेकर गई थी क्योंकि सेविका थी, दासी थी, दासी इतना पल्लू करके जाती थी राजभवन, सेविका पल्लू का फायदा कितना है। माताएं दो बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले क्या, पहले था पल्लू का नियम, इतना धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं है, अब कि नजर आ गए पल्लू। पहले के समय में होता था, नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी, पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई दादी सास से गले लगकर इतना पल्लू कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहाँ रखी, सास मरी तो पल्लू यहाँ रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए, हमेशा गाली देती थी डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उड़ गई, और उड़ते से देवरानी से बोली अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी, सास के कान में यहां पे सोने की मुर्कियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डालकर कहा जल्दी ले जाओ जल्दी, अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे प्रतिवर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है, ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। एक संत वो होते हैं जो केवल अपने अपने वालों को खिला देते हैं, अपने अपने वालों के लिए कोई आयोजन अरेंज कर लेते हैं, पर ये वो संत हैं जो केवल अपने वालों के लिए नहीं सबके लिए करते रहते हैं, ये वो संत है। सहज नहीं,
संत का जो स्वभाव होता है वो यही होना चाहिए, निर्मल मन सोमोई निर्मल। महाराज पल्लू कर कर चली गई द्रौपदी, भीष्म पितामह के चरण पकड़े, भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम तो बोलो जरा जम के बोलो, अखंड भव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर वापिस, फिर नहीं, हम तुमसे बुलवाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे और जब उन्होंने द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था, देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगे, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था, मेरा दोस्त आया है, उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना, सब लाइन आती रही। इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ 16108, चालू हो जाओ, चालू करो हाथ उठाकर, अखंड सौभाग्य। 5, 6, हाथ पूरा उठाओ, 7, 8, 9, 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो, 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गई। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भाव, अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई, ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भाव 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 भाव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ कितनी है? 16108। कन्हैया सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11 11, 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,000, 186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए, रेंदे दादा पूरा जिला यहीं बसा लिया, रेंदे तू मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना, सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए दादा। लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोग का राज्य दिया, कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया। अब भीष्म पितामह ने कह दिया, क्या बोले भीष्म पितामह द्रौपदी को? बोलो जम के बोलो, हम तुमसे इतना नहीं खिलवाएंगे, बोलो जम के बोलो, अखंड सौभाग्यवती
भाव, जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू? द्रौपदी कहती है, पितामह अब तो कल देखूंगी, मेरा अखंड सौभाग्य रहता है कि अर्जुन नहीं रहता है, आपने संकल्प लिया। चली गई द्रौपदी, पितामह नींद उड़ गई पितामह की। रात्रि को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने? तब ध्यान में आया पितामह कि इसको भेजने वाला कोई दूसरा नहीं था। चप्पल का टेका लगा के काली कम्बल ओढ़ के आराम से सो गया है, अपने को बेचैन कर दिया, खुद चैन से सो गया है। बता, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं, खूब आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त। वो कहता है, खुश रहो, प्रसन्न, आनंद में रहो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया, वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया। पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा, अभी तक द्वारका नाथ रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारका नाथ रोने लगे। जैसे रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्र बंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया, उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे, अब तू निपट क्या करना है? अब तुझे निपटना है, करना क्या है ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। एक माने पत्र लिखा, जिसको वो बीमारी हो गई थी जो बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है, जिसके शरीर की नसें चोक हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता, पलंग पर पटक जाता है और वो शरीर बेकार हो जाता है। एक माने पत्र लिखा इसमें, शंभु शरण है क्या? जम के बोलो जरा। कोई रहने के लिए कोई बहुत सारी व्यवस्था है क्या? नहीं। जो कुछ भी बालाजी सरकार ने गुरुजी महाराज के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से व्यवस्था करवाई, वो ये व्यवस्था है। अब तुम यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं आए, यहाँ 5 दिन तुम डेरा जमा कर डॉक्टर हनुमान जी से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आए हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है, इस डॉक्टर का मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। एक पत्र और है, देखिए, मेरा बेटा दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, को कुर्म पुराण को
उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से, शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, ये इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो ये अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं देवताओं में, कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी, जम के बोलो, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी, जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए, किसको सुनाई थी, अर्जुन को। पक्का लॉक कर दूं, पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें, भगवान ने कभी जाओ मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया, अर्जुन हनुमान जी दोनों आए द्वारकानाथ, संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं, तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे, घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिंकवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे, वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा, तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता, तू पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता बानर टूट जाता। अर्जुन ने कहा, टूट नहीं सकता, और तोड़ दिया तो? अर्जुन ने कहा, तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा, पक्का, ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया, हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर्र करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे, इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए, अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा, इसलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए, पुल तैयार करा।
हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा नहीं और रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता। जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले, हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिला कर कह रहे थे कब सुनाओगे सत्संग। द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो, युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंघा रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, पर भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर बोलना पड़ता है, हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। शंकर सुमन उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो दो जो पत्ती नीचे की रहती है, बेलपत्र आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? छह। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही है।